हाय दोस्तों। आज का टॉपिक होने वाला है पैसों के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पैसे मैनेज कैसे करना है। बेसिकली फंडा ये है कि पैसे मैनेज करना हमें कोई नहीं सिखाता बचपन से बड़े होने तक, और ये हमें खुद सीखना पड़ता है। आपने देखा होगा स्कूल्स में कोई पैसे के बारे में नहीं पढ़ाता, या मे भी पढ़ाता है पर वो आफ्टर 12th जो आप BCom कर रहे हो उसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में सिखाया जाता है, पर आपको अपना पैसा मैनेज करने सिखाया नहीं जाता। और हम लोग ये जो काम वाम करते हैं वो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये लाइफ में पैसा, और मैं आपको ये मैनेज करने में आपकी मदद करूँगा। तो ये बेसिकली एक छोटा वीडियो सीरीज़ होने वाला है, 6 से 7 वीडियोज़ का। और ये मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैंने ये पैसे मैनेज नहीं करने का एक्सपीरियंस भुगता है, और मुझे पता है कि आपका अगर पैसा मैनेज सीधे से ना हो तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि आप अपना फर्स्ट जॉब करते हो, लेट्स से आप 20,000 कमाते हो पर मंथ, और आपका कोई रहने का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, या फूड का प्रॉब्लम नहीं है, और आप देखते हो कि मंथ एंड तक आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं है वो पैसा कहाँ चला गया। तो जनरली इससे बचने के लिए जो आपको करना पड़ेगा, या रियलाइज़ करने के लिए कि आप कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, आपको वो पैसा ट्रैक करना पड़ेगा। सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ द मंथ को आपको पैसा आता है, 31st तक आप सब खर्चा कर देते हैं। तो आपको ट्रैक करना है कि ये पैसा आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो, किस चीज़ों पे खर्च कर रहे हो। तो लेट्स से एक एक्सेल शीट में या नोटपैड पे लिखना है कि 5,000 मैंने कहीं पे तो दे दिए, अगला परचेस और कुछ है। तो ऐसे आपको मंथ एंड तक आपको ट्रैक करना है कि आपका पूरा पैसा कहाँ पे जा रहा है, और मंथ एंड में आपको रियलाइज़ होगा वो पूरा शीट देख के कि आपका पैसा कहाँ पे उड़ गया है। तो ये जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था, तो ये जब मैंने किया तो मुझे समझ आया कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जो मुझे लग रहा था कि मैं खर्चा भी नहीं कर रहा हूँ वो फूड में जाता था, फूड कैटेगरी में, बहुत रेस्टोरेंट्स में जाना, इस टाइप की चीज़ें। और मैंने नोट किया कि अराउंड 5,000 या 6,000 पर मंथ मैं रेस्टोरेंट्स या फूड पे खर्चा कर देता था। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना सारा पैसा रेस्टोरेंट्स में बर्बाद कर रहा हूँ या खाने पे बर्बाद कर रहा हूँ, मैंने अगले महीने में उसको एक बजट बनाया, लेट्स से 1,000, और मैं 1,000 के आगे उस महीने में खर्च नहीं करूँगा रेस्टोरेंट्स पे। तो जब ये मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने ये प्रैक्टिस में डाला तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने 4,000 नेक्स्ट मंथ बचा लिया। तो 4,000 फिर भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, पर अगर आपके पास कुछ भी पैसा बचता नहीं है तो 4,000 रुपया आपके पास मंथ एंड तक रहना एक बहुत बड़ी बात है। और ये 20,000 की सैलरी पे, लेट्स से आप 50 कमाते हो तो वो 4,000 का 15,000 भी हो सकता है, जो कि एक खासी रकम है आपको अगर कुछ ख़रीदना है तो। तो इस वीडियो सीरीज़ में ये फर्स्ट टॉपिक यही है कि आपको पैसे मैनेज कैसे करना है, और अगर ये आपने ट्राई किया तो आई एम श्योर आपको समझ जाएगी कि आपकी फिजूल खर्ची कहाँ पे हो रही है और आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो थैंक्स दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपने ट्रैकिंग शुरू किया है तो कमेंट्स में ज़रा मुझे फीडबैक देना कि आपको आपकी फिजूल खर्ची कहाँ पे हो रही है वो आपने रियलाइज़ किया करके। सो थैंक्स एनीवेज फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।